इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागने के बाद ईरान ने धमकी देते हुए कहा है, ये तो अभी शुरुआत है। ये हमला हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला और हमास चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल का इंतकाम था। ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हमले के बाद मंजर इतना भयानक था कि देश भर में सायरन बजने लगे और लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इजरायली फौज IDF ने भी लोगों को सुरक्षित स्थान चले जाने को संदेश भेजा है। हमले के तुरंत बाद ईरान ने इसराइल को धमकी भरा संदेश देते हुए कहा है, ये तो अभी शुरुआत है। ईरान ने हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला और हमास चीफ इस्माइल हानिया का भी जिक्र किया, कहा है कि ये उनके कत्ल का इंतकाम था। कुछ देर पहले अमेरिका द्वारा इसराइल को भेजा गया अलर्ट सही साबित हुआ। ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इसराइल पर हमला बोला। इसराइल के अलग अलग शहरों में मिसाइलों से अटैक हुआ। हालांकि इसराइल सेना का कहना है कि हमले के बाद ज्यादा नुकसान की सूचना नहीं है। ज्यादातर मिसाइलें को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। सिर्फ छर्रे लगने से 2 लोगों को घायल हुए हैं। अमेरिका ने कुछ घंटे पहले इसराइल को अलर्ट किया था कि ईरान उस पर बड़ा हमला करने वाला है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इसराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। बयान में चेतावनी दी गई थी, ये तो अभी हमले की शुरुआत है, आगे और भी हमले किए जाएंगे। यदि इसराइल इस अभियान का सैन्य तरीके से जवाब देता है तो उसे और भी कठोर जवाब का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने अपने संदेश में हिजबुल्ला चीफ सैयद हसन नसरल्ला और हमास चीफ इस्माइल हानिया का भी जिक्र किया। हानिया और नसरल्ला के कत्ल का इंतकाम है। बता दें कि पिछले हफ्ते शुक्रवार की रात इसराइल की वायुसेना ने लेबनान में इमारत को उड़ाकर नसरल्ला को मार डाला था। वहीं इस साल जुलाई महीने में ईरान दौरे पर आए हानिया का भी इसराइल ने बम लगाकर उड़ा दिया। हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंचे थे। हानिया जिस गेस्ट हाउस में रुके थे वहां इसराइल ने हमले से महीनों पहले बम छिपा कर रखा था। हमले के बाद IDF प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा है, वर्तमान में ईरान से इसराइल की ओर कोई अतिरिक्त खतरा नहीं है। निवासियों को कुछ समय पहले सूचित किया गया था कि वो 1 घंटे बाद बम आश्रय को छोड़ सकते हैं। इस समय हम अभी भी हमले का आकलन कर रहे हैं, लेकिन 2 ही लोग के बारे में पता चल पाया है जो मिसाइल के छर्रे की चपेट में आने से घायल हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।